नमस्कार दोस्तों, हेल्थ कोच अजय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े और मेडिसिन के बारे में जानकारी लेते रहिए। अब हम बात करेंगे डोलो 650 टेबलेट के बारे में। डोलो 650 मिलीग्राम का उपयोग बुखार और हल्के से मध्यम दर्द को राहत देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिर दर्द, दांत दर्द, माइग्रेन और अन्य दर्दनाक स्थितियों से राहत पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डोलो 650 पेरासिटा के फॉर्मूले में आता है। डोलो 650 टेबलेट दर्द से राहत देने और बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवा है। इसका इस्तेमाल सिर दर्द, शरीर में दर्द, दांत दर्द और सामान्य सर्दी जैसे अन्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह किस प्रकार काम करती है? यह एक एनालाइजेसिक, दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक बुखार कम करने वाली दवा है। यह मस्तिष्क से उन केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकती हैं जिनकी वजह से यह दर्द या बुखार होता है। यह दर्द और बुखार पैदा करने वाले कुछ केमिकल को रिलीज होने से रोकने का काम करता है। इसका इस्तेमाल अकेले या अन्य दवा के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है और इसको खाने के साथ ही ले, अन्यथा ये आपके पेट में कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं या अन्य कोई भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता है तो इसके बहुत कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। याद रखें, इस दवा को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श करें। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर ले। अब बात करते हैं इसके मुख्य इस्तेमाल क्या क्या होते हैं। दर्द निवारक और बुखार के उपचार में आगे बात करते हैं इसके लाभ। दर्द से राहत, यह एक आम दर्द निवारक टेबलेट है जो दर्द को कम करने और दर्द का इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करती है जिनसे दर्द और बुखार की समस्या उत्पन्न होती है। सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में काफी मदद करती है। इसको डॉक्टर के बताए निर्देश के अनुसार ही ले और सही मात्रा में इसका उपयोग करे, अन्यथा इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि आगे इसी वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं बुखार। उस तापमान को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको अकेले या अन्य दवा के साथ लिया जा सकता है। इसको अपने डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार ही नियमित रूप से लेना चाहिए और इसको एक साथ डबल न ले, अन्यथा दुष्परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करेंगे इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। इसे पेट में दर्द, मिचली आना, उल्टी आदि इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट या लक्षण बिगड़ने लगे तो अपने डॉक्टर से सलाह ले या संपर्क करें। वैसे इस दवा से बहुत ही कम साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर इसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया जाता है तभी इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। इसको भोजन के साथ लेना उचित होता है। इसे साबुत, निगले, चबाए, कुचले या तोड़े नहीं। इस दवा की खुराक और अनुमान की अवधि के लिए डॉक्टर से सलाह ले, अपने आप इसका उपयोग न करें। अगर आप इसको निर्धारित समय पर लेना भूल जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके इसको ले ले। और अगर अगले खुराक का समय हो गया है
तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दे और नियमित समय पर अगली खुराक ले। इसको डबल या दो बार एक समय पर न ले, अन्यथा इसके कई प्रकार के दुष्परिणाम मिल सकते हैं और इसको हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही ले, अपने आप इसका उपयोग न करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।